ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक्चुअल में मेरा लेट आने का एक मकसद था कि कोई भी मुझसे ज्यादा लेट ना पाए, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूंगा लेट आएगा तो रिपीट करेगा, सारा मामला खराब हो जाएगा, है ना। पर कुछ लोगों ने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है ना, वो आते रहेंगे और लेट और लेट। तो मैंने आपसे कहा था घर जाके ज्यादा मत पढ़ के आना, वही पढ़कर आना जो आपको बताया गया था वो पढ़कर आए हो, जो बोला गया था वो पढ़कर आए हैं आप, बढ़िया से अच्छे से चले। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास फोकस करेंगे फिर से कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करेंगे। कल हमने चार शब्द सीखे थे, सम सीखा था, ऑल, नो, सम नॉट। ये क्वेश्चन थे, फिर आंसर सीखे थे कि इस वाले में आंसर केवल यही आ सकता है, इस वाले में ये तो आएगा ही आएगा, और फ्री में सम आ सकता है, ये वाले में ये ही आएगा, इतना ही सीखा था पूरे दिन में, और इस वाले में ये आएगा फ्री में सम नॉट आ जाएगा। क्या यही है, यही सीखा था हमने। आज क्या सीखेंगे हम लोग कि ये तो हमने फिक्स कॉन्सेप्ट सीखा था कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, ऐसा है या ऐसा नहीं है। आज हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी केस। अब वो कैन भी लिखे या पॉसिबिलिटी, कोई फर्क, पॉसिबिलिटी कोई कैन भी लिखे या पॉसिबिलिटी, बोथ आर सेम। ठीक, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इन्हीं चार शब्द में हमें ढूंढना है कि यार किसमें कौन सी पॉसिबिलिटी काम करेगी, और देखो कितना आसान है ये। इसमें हमें कितना पता है, कंप्लीट, तो क्या घंटा पॉसिबिलिटी काम करेगी? आपको समझाने के मेरे पास ऐसे ऐसे फंडे हैं कि आप गलत कर ही ना पाए। इसमें कितना पता है, कंप्लीट, नेगेटिव कंप्लीट, कहां से पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी। वाह, चार में से दो में तो पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करती। लो ये तो जब पूरा पता होगा पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी। ओ आप देखो कुछ लोग अभी आए हैं, मुझे कल के क्लास के दो डाउट है। पहला, ऑल और नो में रीस्टेटमेंट सही करें या गलत करें। दूसरा, सम नॉट में कैसे वन साइड रिलेशन होता है, समझ नहीं आया। रंजेश, आपको पहले रीस्टेटमेंट का कलेश बताया किसने, मैंने तो सिखाया नहीं। दूसरा, वन साइड का रिलेशन होता है उसमें समझ नहीं आया। वन साइड रिलेशन जो लिखा है वही आंसर आएगा जिस तरफ से दे रखा होगा, और डिटेल में भी पढ़ लेंगे, उसकी चिंता मत करो। सर आई एम न्यू इसलिए मैं कमेंट नहीं खोलता, मैं नया हूं, क्या ये मेंस है? हाँ ये मेंस है, ध्यान से रखना। हाँ मेंस है, मेंस लिखा होगा ना कहीं पर, मेंस है। सारा मजा खराब कर देते हैं। अब राजन का ये आर नाम वालों को मुझे लग रहा है ज्यादा दिक्कत आ रही है। ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट दूर करें, मैं गाल पे मार के दर्द दूर कर दूंगा तुम्हारा, कल आएगा वो, इसलिए पढ़ लो जो पढ़ाया जा रहा है।
स्टार्ट करें। ये लोग शुरू हो गए, इनको छोड़ दो। अच्छे खासे चैन से बांधे हुए थे, ऐसे करके मैंने बांधे हुए थे, ऐसे करके तो बंधे हुए थे। अच्छा खासा जो लोग बेचारे पढ़ रहे थे, इनको खोला, अब इन्होंने शुरू कर दिया, है ना। जो लोग समझदार हैं वो ये बताओ, ये समझ में आया? आगे बढ़े हम भैया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुमसे सिर मारें, प्लीज हमें माफ कर दो, हम नतमस्तक हैं आपके आगे। जबर से टाइम खराब करते हो, तुम्हारा ही टाइम है ये। चलो वापस पढ़ते हैं। आज हम सीख रहे हैं पॉसिबिलिटी। तो जब क्वेश्चन में ऑल होगा और आंसर में पॉसिबिलिटी पूछेगा, क्वेश्चन में सारा दे रखा है, आंसर में पॉसिबिलिटी पूछेगा, तो काम करेगी नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? जिस इंसान के बारे में आप सबको जानते हैं, सब कुछ जान गए आप फिक्स, तो उसके बारे में अनुमान क्यों लगा रहे हो? पागल वागल हो गया? अनुमान नहीं, फिक्स पता है, तो पॉसिबिलिटी आते ही कैंसिल। जब किसी इंसान के बारे में नो मतलब कंप्लीट, भाई नो भी तो कंप्लीट ही होता है, वो बात और है, नेगेटिव में कंप्लीट होता है। भाई किसी इंसान के बारे में नेगेटिव में कंप्लीट जानते हो, तो उसके बारे में जब कंप्लीट जानते हो तो पॉसिबिलिटी की जगह ही नहीं है, पॉसिबिलिटी की हमारे पास जगह ही नहीं बची। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर ये है किसी क्वेश्चन में नो आ रहा है, तो नो के लिए अगर कॉन्क्लूजन में पूछ रहा है क्या ऑल की पॉसिबिलिटी है या नो की पॉसिबिलिटी है या सम की पॉसिबिलिटी है या सम नॉट की पॉसिबिलिटी है, तो आप बस उससे एक ही बात कहना कि पॉसिबिलिटी का अनुमान लगाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हमें ऑलरेडी पता है, जब कोई बात पता होती है तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि कल इंडिया जीत गई थी श्रीलंका से मैच, तो जीत गई थी ना, श्रीलंका हार गई थी ना, तो क्या अब इस मैच के बारे में पॉसिबिलिटी होगी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जीत गई, श्रीलंका हार गई, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, फिक्स। सही है? जिस चीज के बारे में पता हो उसके बारे में पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। क्लियर है? सही है? आप ठीक है? सही। फिर से एक बार और आपके एग्जाम को लेकर समझाता हूं। आप एग्जाम में रीजनिंग में भी फेल हो गए, इंग्लिश में भी फेल हो गए, रीजनिंग में तो फेल में होने नहीं दूंगा, मैथ में भी फेल हो गए, इंग्लिश में भी, जीए में भी, कंप्यूटर में भी, हिंदी में भी। मान लेते रीजनिंग था ही नहीं, उसके संस्कृत आ गया, सारे सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो रिजल्ट में क्या आया? किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, कंप्लीट फेल। तो क्या आप पॉसिबिलिटी लगाओगे कि हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट में पास हो? कहां हो सकता है, अभी तो फेल हुए हो सकता है संस्कृत में पास हो, अरे भैया उसमें भी फेल है, हो सकता है सब में फेल हो जाए, नहीं, हो नहीं सकता, हो गए हैं, हो सकता है हिंदी में फेल हो जाए, भैया हो नहीं सकता, हो गए ना, बताया तो सब में फेल है। जब पहले से ही पता है तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। आई बात समझ में? अब लाइव जब सारे में फेल हो ही गए तो अब कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। क्लियर? चाहे वो ऑल की हो, चाहे सम की हो, चाहे नो की हो, चाहे सम नॉट की। अब ठीक है? अब कलेजे को ठंडक पड़ी, फेल करवाने के बाद ही ठंडक पड़ी तुम्हें। तो ठीक है, चलो अब पास करवा देते हैं। अब अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ही पास करवाएंगे। पहले भी आ रहा था समझ। चलो ठीक है, अब पास करवा लेते हैं। एक इंसान रीजनिंग में भी पास हो गया, इंग्लिश में भी पास हो गया, मैथ में भी पास हो गया, प्री का एग्जाम था, सब में पास हो गया।
अब जब रिजल्ट आया तो ये सारे सब्जेक्ट में पास है ऑलरेडी, तो अब जब पास हो ही गया है तो इसके बारे में ये सारे सब्जेक्ट में पास हो सकता है पॉसिबिलिटी? भैया हो क्या सकता है, हो गया ना, ये इंग्लिश में पास होने की पॉसिबिलिटी भैया हो नहीं सकता, हो गया। सारे सब्जेक्ट में फेल होने की पॉसिबिलिटी, इतनी मुश्किल से पास हुआ तुम फेल करवाने की पॉसिबिलिटी पूछ रहे हो? मैथ में फेल होने की पॉसिबिलिटी भैया क्यों पॉसिबिलिटी, जब पहले से ही सारा पता है तो पॉसिबिलिटी को नमस्ते करो, निकल लो। अब आया समझ? जब ऑल पता होगा तो पॉसिबिलिटी जीरो, जब नो पता होगा तो पॉसिबिलिटी जीरो। 15 मिनट और पढ़ लो, फिर बन जाएंगे आप हीरो। मेंस का भाई 6 बजे, रात को 6 बजे, परेशान मत करो। क्लियर है? नेक्स्ट चले। तो इसका मतलब है बेकार में ही रायता फैला रखा है एग्जामिनर ने और हम लोगों ने कि पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, इसमें तो काम ही नहीं करा। आप पता है दिक्कत किसको है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कि हमारे वाले में तो करता था मेरा तरीका थोड़ा अलग है, उनको दिक्कत आएगी जिनको लगता था कि यार हमारे वाले में तो करता था साला, अब कैसे नहीं कर रहा तो अभी थोड़ी देर बाद नहीं करेगा, चिंता मत करो, रुक जाओ, सब्र करो। तो मेरा यही है कि आप दिमाग को फ्री छोड़ दें, मैं इतने नए तरीके से पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलो। चलिए नेक्स्ट, नो वाला, अब नो वाले में भी नहीं करता, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी का जो कलेश है वो इन्हीं दोनों के लिए है। और ऑब्वियसली बात है, जब किसी इंसान के बारे में आधा पता है तो बचा हुआ पॉसिबल होगा, जब किसी इंसान के बारे में आधा नेगेटिव पता है तो बचा हुआ पॉसिबिलिटी होगा। आओ मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में समझाता हूं। पहले जब आधा पता है तो पॉसिबिलिटी दो आएंगी, पहले नॉर्मल, एक उल्टा, इसका उल्टा कौन सा होगा, पड़ोसी। इसका उल्टा कौन सा होगा, इसका पड़ोसी। अरे वाह कितना इजी है, देखो इसके वाले में इसको पॉसिबल कर लेना और इसके वाले में इसको, अदला बदला चल रहा है इनका। पहले बताओ समझ में आया, आधा पता होगा तो पॉसिबिलिटी कौन सी, पड़ोसी वाली, पड़ोसी वाली पॉसिबिलिटी, सम में सम नॉट की, सम नॉट में सम की। अरे वाह, पड़ोसी वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है भाई, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। तो अगर सम पूछेगा तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी, सम नॉट पूछेगा तो सम वाली पॉसिबिलिटी, पड़ोसी पड़ोसी। एग्जाम्पल तो अभी आएगा, पहले आपके दिमाग में तो पहुंचा दें। पहले लिख तो दूं मैं, होता क्या, एग्जाम्पल तो बाद में दूंगा, या पहले एग्जाम्पल दे दूं, पहले बता तो दूं एग्जाम्पल देना किसका है। रुक जाओ, इतने एग्जाम्पल फेंक के मारे जाएंगे तुमसे रखे नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले मुझे बताने तो दो कि बताना क्या चाह रहा हूं। चलो पहले बताने तो दो कि बताना क्या है, एग्जाम्पल तो उसका लोगे जब पहले पता चल जाए। चलो अब गुंजन को एग्जाम्पल देते, पहले अब रुक जाओ, बाकी नहीं पढ़ाएंगे, पहले गुंजन को एग्जाम्पल देते हैं। गुंजन का रिजल्ट आया और इसको रिजल्ट देखना आता नहीं था, तो एक कैफे गई, साइबर कैफे, कि मेरे को बताओ मेरा रिजल्ट क्या रहा। उन्होंने क्या किया, रिजल्ट देखने ही वाले थे, केवल इतना देखा इंग्लिश में पास हो गई है, मैथ में पास हो गई है। ठीक है,
मतलब इस तरीके से रिटर्न निकला आपका, बैंक का नहीं निकला कभी कहो नहीं नहीं सर उसमें तो पहले पास फेल आता है बाद में नंबर आते हैं, ऐसे वाला नहीं चल रहा है, पुराना वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश में गुंजन पास हो गई है, मैथ में गुंजन पास हो गई है, रीजनिंग का देखने ही वाला था वो कैफे वाला कि लाइट भाग गई। अब क्या करें? तो अब गुंजन ने पूछा जल्दी से बताओ क्या है रिजल्ट, क्या रहा कैफे वाले, साइबर कैफे सीसी लिख देते हैं। कैफे वाले भैया से कहा कि भैया जल्दी बताओ क्या रहा रिजल्ट। उसने कहा देखो तुम कुछ सब्जेक्ट में तो पास हो, ये तो पक्का पता चल गया मेरे को, इतना तो मैंने देख लिया था, कुछ सब्जेक्ट में पास हो, अब बाकी का सस्पेंस में रहो। अब वो सस्पेंस कैसे दूर होगा? इसका उल्टा हो सकता है, गुंजन जो सब्जेक्ट नहीं देख पाया उसमें फेल हो गई हो। ओहो, आया बात समझ? इसलिए सम नॉट की पॉसिबिलिटी। क्लियर है? सभी को लाइक पड़ोसी करेगा, जितना रिजल्ट देखा था उसने तो बता दिया, उसने कह दिया भाई कुछ सब्जेक्ट में तो पास हो गई हो, मैंने देख लिया है, बाकी का सस्पेंस में रहो। सस्पेंस क्या है? गुंजन ने पहला सोचा रीजनिंग तो मुझे कम आती थी तो पक्का हो सकता है मैं इसमें फेल हो गई हूं, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अब दूसरा कि रिजल्ट आया क्या पता गुंजन इसमें भी पास हो जाए, इनमें तो पहले से ही पास थी, इसमें और पास हो गई तो कितना पास हो गई? सारा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऑल की, ऑल में पास होने की पॉसिबिलिटी। समझ आया भाई? वाह, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो गुंजन बचे हुए सब्जेक्ट में फेल हो जाए या सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए, दो ही तरीके हैं बस। क्लियर है भी दोस्तों? ठीक है, तो या तो बचे हुए सब्जेक्ट में पास हो सकते हो या सॉरी बचे हुए में फेल हो सकते हो या सारे में पास। मौज आ गई अब तो। अब ऐसे ही अब इधर वाले में आ जाओ, इनका क्या करूं जो ये बीच बीच में कुछ भी पूछते रहते हैं। आरआरबी के लिए आपकी और कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है? आरआरबी के लिए अब क्लास ज्वाइन करनी है 2022 में, 21 वाली तो सारी हो चुकी है ज्वाइन, 2022 में करनी बेटा। आप तो आईबीपीएस कर सकते हो अगर माने तो। पजल कहां से देखूं? आंखों से। आप जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछोगे, जबरदस्ती का आंसर दूंगा मैं। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो आप 30 अगस्त को नहीं आए, सॉरी 30 अगस्त तो ज्यादा हो जाएगा, 30 जुलाई को नहीं आए, 30 नहीं 31 जुलाई को, बताओ मैं आप कहां से देखूं आरआरबी? तो सुबह पेपर में ही देख लेना, अगले दिन सुबह पेपर में ही देख लेना आप क्या देखना है। चलो आगे बढ़े। एक मान ही नहीं रहा है, कह रहा है गुंजन इंग्लिश और मैथ में पास हो गई तो ऑल की पॉसिबिलिटी कैसे सही करवाई आपने? अरे महानुभाव आदमी, जब दो सब्जेक्ट में पास हो गया इसका पता नहीं है ना, इसका जब पता नहीं है और इसमें हम सोच तो सकते हैं ना दिमाग से कि या तो फेल हो जाएगी या इसमें भी पास हो जाएगी, फेल हो गई तो कुछ कितने सब्जेक्ट में फेल है? कुछ में, कुछ सब्जेक्ट में फेल होने की पॉसिबिलिटी, और अगर पास हो गई तो कौन सी पॉसिबिलिटी? सारे सब्जेक्ट में पास होने की। ठीक है भाई, इसमें भी पास हो गई, इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई, तो सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हो गई? क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तुम सारे में पास हो सकते हो? ख्यालों में ही तो मानना है। आओ चलो मैच का एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आता है, आओ मैच वाला एग्जाम्पल देता हूं। इंडिया श्रीलंका की जो सीरीज चल रही है उस पर जो लोग बैटिंग लगाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, शर्त लगा लेते हैं आपस में दो दोस्त, तो इंडिया श्रीलंका में क्या चल रहा है? श्रीलंका लिख लेते हैं,
कि इंडिया दो मैच जीत गई है, वो दोनों हार गई है। अब आपसे पूछा गया, बताओ टोटल 3 मैच होने हैं, क्या क्या हो सकता है? तो या तो इंडिया कुछ मैच हार सकती है, अब कुछ भाई एक हारेगी वो भी तो कुछ हार रहेगी, कुछ हारने की पॉसिबिलिटी है, या फिर सारे जीतने की पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है बताना जरा भाई। या तो इंडिया कुछ मैच हार जाएगी या सारे जीत जाएगी, अब ये मत कहना ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। या तो कुछ हार जाएगी या सारे जीत जाएगी। क्लियर है? ठीक है, दो ही पॉसिबल। और अगर और इजी तरीके से याद करना है तो ऐसे याद कर लो, अच्छा खासा फ्लो जा रहा था, तुमने फ्लो खराब किया, वरना तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे समझ जाते। पॉसिबिलिटी दो लोगों में काम आती है, एक सम में और एक इसमें। जब ये गिवन हो तब पॉसिबिलिटी काम करेगी, जब ये गिवन हो तब पॉसिबिलिटी काम करेगी। ठीक दिया, ध्यान से पढ़ना। तो पॉसिबिलिटी हमेशा पेयर में आती है, पेयर में, इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी काम करेंगी। पॉसिबिलिटी हमेशा पेयर में आएगी, इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी काम करेगी, इसमें भी दो, इसमें भी दो। अब ये इसका उल्टा है, तो जो इसमें पॉसिबिलिटी आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी, जो इसमें आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी। चार नाम है, तो थोड़ा दिमाग तो यहीं लग जाएगा। जो इसमें आएगी वो इसमें नहीं, जो इसमें आएगी इसमें नहीं। इसमें सम गिवन है, तो ये सम की पॉसिबिलिटी इसमें तो आ नहीं सकती, तो इसमें आएगी। इसमें सम नॉट गिवन है, तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी इसमें तो नहीं आ सकती, तो इसमें आएगी। मैंने इजी कर दिया था, मैंने कहा था सम वाले में सम नॉट मान लेना पॉसिबल, सम नॉट वाले में सम मान लेना, पड़ोसी पड़ोसी में पॉसिबिलिटी भेज देंगे। तो ये हो गया उल्टा, उल्टा हो गया ना, सम का उल्टा सम नॉट का पॉसिबल, सम नॉट का उल्टा सम का पॉसिबल, और दुगना डबल, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, एक उल्टा और दुगना। इसका दुगना कितना होगा? सम नॉट का डबल कितना होगा? सम नॉट का डबल कंप्लीट नो की पॉसिबिलिटी। वाओ, सम नॉट का डबल नो, इसका दुगना, सम का डबल ऑल। वाओ, खत्म हो गया, और दुनिया की कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि होते ही नहीं, कहां से लाओगे? खत्म। एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे दूंगा, पहले ये बताओ सम भेजे में घुसता है? सम पता हो तो दो याद करना, बस दो ही पॉसिबिलिटी है पेयर में। उल्टा, अरे उल्टा तो कर लोगे, सम का उल्टा सम नॉट की पॉसिबिलिटी, इसका दुगना सम का उल्टा ऑल की पॉसिबिलिटी, बस खत्म। सम नॉट गिवन हो तो उल्टा सम नॉट का उल्टा सम, और दुगना नॉट वाले का दुगना नो। वाह, उल्टा दुगना खत्म। नमस्ते करो, निकलो। क्लियर है भाई? दो पॉसिबिलिटी, उल्टा दुगना, उल्टा दुगना, उल्टा दुगना, रट्टा मान लो एक बार, उल्टा दुगना, बस दो ही पॉसिबिलिटी। बंटी और बबली, उल्टा और दुगना। क्लियर है? अनुमान ही नहीं दी, कह रही सम के साथ ऑल आएगा, सम के साथ ऑल, हाँ क्यों नहीं आएगा? अभी तो इतनी देर से बता ही रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? आओ समझाते हैं। अनु तैयार ही नहीं है कि सम के साथ ऑल की पॉसिबिलिटी कैसे। आप सुनो एक एग्जांपल, अनु का घर बन रहा था, घर सही, अब घर बन रहा था तो पहले दिन जब आए काम करने लोग, तो इसने कहा मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। अब पिंक तो है नहीं हमारे पास, तो लाल मान लेते, लाल। इसने कहा मुझे लाल कलर बहुत पसंद है, मेरे कमरे में लाल कलर पेंट कर दो, तो लाल कलर पेंट करवा लिया इसने अपने कमरे में। अब भाई एक दिन में तो एक ही काम होगा, अब इतना पेंट करके पेंटर घर चले गए। तो अनु ने हम लोगों को बता दिया कि मैंने ना सर अपने कमरे में रेड कलर पेंट करवा लिया है, और इतना कह के
फोन कट गया। अब हमारे दिमाग में ख्याल क्या आएगा, हो सकता है जब कल वही लोग आए पेंटर, तो बाकी कमरों में कोई और कलर पेंट हो, इसका मतलब लाल कलर पेंट ना हो, कोई और हो। यही तो हो सकता है कि भाई इसके भाई को पीला कलर पसंद है वो पीला कलर करवा ले, किसी को हरा पसंद है वो हरा करवा ले, किसी को नीला पसंद है वो नीला करवा ले। सही है, तो पॉसिबल है ना कि बाकी जगह रेड ना हो। हाँ, या फिर अनु रो रो के कहे कि नहीं मुझे तो लाल किला पसंद है, मैं तो लाल किला बनाऊंगी घर को, इधर भी लाल ही चाहिए मुझे, नहीं तो मैं रो रो के आंखें लाल कर लूंगी। तो पहले से ही थोड़ा लाल था, बाकी लाल और कर लिया तो लाल किला बन गया, देखो सारा लाल हो गया। ऑल की पॉसिबिलिटी, क्लियर है? दो ही पॉसिबिलिटी, या तो थोड़ा सा लाल ना हो या लाल किला बना दो तुम। अब सही है, आ गया? तो उल्टा और दुगना। उल्टा और दुगना, सही है? अब देखो कितना अजीब लगता है, जैसे एक बच्चा है बेचारा, वो क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने की आदत होती है ना कि क्वेश्चन जब तक नहीं लिखा जाएगा माना नहीं जाएगा हमने पढ़ाई करी, तो ये पूछ पाओगे आज? तो मेरा मेरा भी तुम्हारी तरह ही है, क्या समझ पाओगे आज कि हो क्या रहा है? क्वेश्चन ही हो रहा है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, हो क्वेश्चन ही रहा है, बस तुम तैयार नहीं हो उस लेवल के लिए, क्वेश्चन ही हो रहा है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब वो नॉट वाले का पढ़ लेते हैं। नॉट वाले में क्यों आता है? सम नॉट वाले में भी दो ही पॉसिबिलिटी, उल्टा और दुगना। कैसे? देखिए रिजल्ट आया, जैसे भी मैंने बताया था, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, आप इंग्लिश में फेल हो गए, मैथ का भी फेल हो गए, रीजनिंग का पता ही नहीं है। तो भाई आप कितने में फेल हैं? कुछ सब्जेक्ट में फेल है सर, फिक्स है। आप दिमाग पर जोर डालो कि यार जब लाइट आएगी तो या तो इसमें पास हो जाओगे, तब भी कितने में पास हो पाए? थोड़े सब्जेक्ट में ही तो पास हो पाए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे निकले इसमें पास हो गए। कौन सा था? रीजनिंग का। या फिर जितना जैकपॉट इसमें लगाया, इसमें लगाया, क्या पता इसमें भी हैट्रिक लग जाए। तो कितने में फेल हो गए? सारे में सर, किसी में भी पास नहीं हुए। दो ही पॉसिबिलिटी, क्लियर है? और दूसरा एग्जाम्पल, सर हमें मैथ में डीआई समझ नहीं आई, ठीक है, तो कितना नहीं आया? थोड़ा सा। अब बाद में दिमाग लगाया, दो पॉसिबिलिटी, क्या पता प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है ना, बाकी टॉपिक आ जाए, तब भी कितने आ पाएंगे? थोड़े से सब्जेक्ट में टॉपिक आ पाएंगे, थोड़े से ही तो आ पाए, क्योंकि डीआई तो नहीं आया ना। या फिर हो सकता है कि जब ये नहीं आया तो ये भी ना है, ये भी ना है, ये भी ना है, ये भी ना है, सारे टॉपिक ना है। तो कितने नहीं आए? सारे नहीं आए सर, पूरी मैथ पढ़ी थी कुछ भी नहीं आया। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो थोड़ा सा आ जाए या सारा ना आए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब दो लाइन और बोलूंगा, थोड़ी कड़वी कड़वी, अभी तक बहुत मजाक था, थोड़ी सी कड़वी कड़वी। आपने देखा होगा काफी लोग से, काफी तो कल ही समझ गए थे कि यार इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, और उन लोगों को आज तो यही हो गया होगा यार पॉसिबिलिटी तो था ही नहीं, हम आज तक पॉसिबिलिटी का लोड लेते थे। लेकिन फिर भी आपने काफी सारे बच्चे वो भी देखे होंगे जिनको ये लग रहा हो यार क्वेश्चन तो अभी तक एक भी हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन कब आएगा तब मेरे को समझ में आएगा। तो आपने बेकार में वेस्ट की अपने मनी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही करना था तो मैं डेली क्वेश्चन 5 सिलॉग्स के यूट्यूब पे कराता ही हूँ, सैटरडे को 15 कराता हूँ, तो 5 5 25 15 40 25 और 15 40 डेली, हर हफ्ते 40 क्वेश्चन सिलॉग्स के चल रहे हैं यूट्यूब पर।
बेकार में आप पैसे बर्बाद कर रहे थे। अगर आपको क्वेश्चन ही करने थे तो क्वेश्चन तो वहां चल ही रहे थे या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आपने बेकार ही पैसे बर्बाद की। अगर आप यहां पर भी क्वेश्चन ही चाहते हैं तो क्यों पैसे बर्बाद किए भाई, अगर यहां भी क्वेश्चन ही करना है तो। लेकिन दिक्कत यह है, आज का बच्चा पढ़ने से ज्यादा रटने पे ध्यान लगाता है। अच्छा मैं 25 क्वेश्चन कर लूंगा स्लॉग्स के, हो जाएगा ना, घंटा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 25 छोड़ो, 250 कर लो, तब भी कुछ नहीं होगा। जब ही तो होती है दिक्कत, हमने पजल लगा ली बहुत सारी, पर सर एग्जाम में तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? जब कॉन्सेप्ट ही नहीं आते तो कहां से होगी? तुम्हें यही नहीं पता मोर देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है? तो पहले कॉन्सेप्ट को घोट के पी लो। जब भी वो लिखेगा ना ऐसे सम कैट आर डॉग, मेरा आंसर मेरे दिमाग में आ गया, ऑल कैट आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, सम कैट आर नॉट डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, और सम कैट आर डॉग, कैट से तीन आंसर सही होंगे बस, दो पॉसिबिलिटी वाले एक डेफिनेट वाला। सम डॉग आर कैट ये फिक्स, सम डॉग आर नॉट कैट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल डॉग आर कैट इज ए पॉसिबिलिटी। मेरा तो खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि हमने तो सम का कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया था। हमें मतलब ही नहीं है कैट लिखे डॉग लिखे या प्लस माइनस लिखे या ए बी, हमने तो यही पढ़ डाला कि जब भी ऐसा होगा तो एक ही आंसर आता है सम वाला फिक्स, और दो पॉसिबिलिटी आती है उल्टा और दोगुना। हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, रटने वाला नहीं। खत्म हो गया हमारा पूरा, इसका आंसर है। उसने कहा कि मैं यहां पर कैट लूंगा तब भी हाँ, उसने कहा मैं प्लस लगा दूं तब भी हाँ, भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखते रहो, घर में बैठ के लिखते रहना ऐसे सम डैश आर डैश, इस पे घर जाके कुछ भी भरना, आंसर केवल तीन आएंगे, सम फिक्स और दो पॉसिबल, सम नॉट पॉसिबल और ऑल पॉसिबल। खत्म हो गया क्वेश्चन में, मैंने लिखा नो डैश डैश खुद भर लेना, केवल दो ही आंसर आएंगे, नो वाला सम नॉट वाला, वो भी फिक्स, पॉसिबिलिटी में कुछ भी लिखोगे आएगा ही नहीं, खत्म हो गया। हम तो सोशन कर रहे हैं वो बात, और तुम्हें दिख नहीं रहे, इसलिए तो यहां इसी बात के तो पैसे लिए कि बिना क्वेश्चन करे दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए, इसी बात के तो पैसे लिए। तो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बात, और तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। सही है? प्लस तो पहले लिखना चाहिए था, किसने लिखा है, वेंकटेश ने, और किस किस को लगता है कि पहले ले लेते तो अभी तक हो भी जाता। चलिए आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सारे क्वेश्चन क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, सम वाला भी सीख लिया, जब भी ये नाम होगा दो पॉसिबिलिटी, ये वाला होगा दो पॉसिबिलिटी, याद रखना उल्टा और दुगना, सम वाले में सम का पड़ोसी, सम नॉट वाले में सम नॉट का पड़ोसी, दुगना इसका डबल ऑल, इसका डबल नेगेटिव वाला, नो खत्म। और देखो यही आइदर के केस है, मजे की बात है यही आइदर लगता है नहीं में, ओ इसी में तो आइदर लगता है, और कोई पेयर भी नहीं आइदर के, जो पॉसिबिलिटी में सीखा था वही तो आइदर और है, बस दो ही केसेस ले आइदर और के, गजब, वो भी नहीं पढ़ना होता, यही आइदर है, इसके अलावा इधर आता ही नहीं आइदर, यही तो आइदर है, नो के साथ सम, ऑल के साथ सम नॉट, खत्म, और आइदर ही नहीं है कोई। खत्म हो गया, इधर भी यही है, आगे चले, चिंता मत करो, इधर फिर से पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हें तभी मजा आएगा, बस यही दोनों इधर होते हैं और कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये मत देखो तुम्हें, मुझे पता है क्योंकि दिमाग छोटा छोटा है, अभी रहने दो तुम। अभी हाँ जिसको समझ में आ गया, काफी लोगों को आ गया वैसे, क्लिक करके काफी लोगों, भाई जो पॉसिबिलिटी था वही तो वाइदर है। चलिए तुम बाकी ध्यान मत दो, बाकी कल समझना इधर, और अभी और मैं सिखा लूं जरा थोड़ा सा। अब सुनो, और थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। चार वर्ड थे, नो ऑल सम नॉट। फिक्स वाले में नो राइट सम नॉट राइट। जब ऑलरेडी फिक्स वाले में दो राइट आ गए तो पॉसिबिलिटी जीरो, सारी गलत। ठीक है, ऑल फिक्स वाले में ऑल भी राइट सम भी राइट। जब ऑलरेडी दोनों पता ही चल गए तो पॉसिबिलिटी फिर जीरो, सारी गलत। सम वाले में फिक्स कितना है, सम, तो जो बच गया वो पॉसिबल, उल्टा। और दुगना, सम का दुगना ऑल, खत्म। सम नॉट वाले में फिक्स सम नॉट, तो फिर दो बचा हुआ पॉसिबल कौन कौन सा, उल्टा और दुगना, सम नॉट का दुगना नो। इतना ही है बस अभी तक, या तो जीरो पॉसिबिलिटी या दो पॉसिबिलिटी। आप थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, एक और दिमाग लगाते हैं बस। सर एक केस और ऐड कर लो इसमें, जब कुछ गिवन ही ना हो, जब गिवन ही नहीं है तो फिक्स जीरो, और जब फिक्स कुछ है ही नहीं तो पॉसिबिलिटी चार की चार ट्रू। वाओ, ऐसे सर्किल बनाते हो ना, इस सर्किल का और इसका क्या पता है, कुछ नहीं तो फिक्स जीरो, तो पॉसिबिलिटी सारा, पॉसिबिलिटी लगाओ राइट लगाओ निकल जाओ, खत्म हो गया। इसको कहीं चार्ट को नोट कर लो, एग्जाम से पहले ये पढ़कर जाना, कुछ और नहीं, यही कॉन्सेप्ट, बाकी तो सब मोह माया है। जब कुछ नहीं पता तो सारी पॉसिबिलिटी राइट, सारा फिक्स रॉन्ग। लाइक पड़ोसी करने आएगा, कितने लोगों के माइंड में फिक्स हो गई पिक्चर, पिक्चर बताओ क्लियर कितने के लोगों को है। आइए तो अब इंप्लीमेंट करके देखते हैं, अभी तो बहुत देर है हमारे पास। आइए चलिए, पहले इजी वाली करा रहा हूं क्योंकि अभी 3 घंटे और है मेरे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन करने में मजा आती है, पर मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा एक साथ ही। देखो, ए से बी नो वाला राइट सम नॉट राइट और पॉसिबिलिटी आते ही चार की चार पॉसिबिलिटी गलत, यही तो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ए से भी कंप्लीट पता है, पॉसिबिलिटी आते ही चारों गलत।
ए से सी, ए से डी, फिक्स जीरो, तो पॉसिबिलिटी चार की चार, टिक करो, राइट लगाओ, खत्म। आपकी नजर में कॉन्क्लूजन है, मेरी नजर में तो एक बारी में चार कॉन्क्लूजन आए, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, सम ए और ऑल ए आर बी, चार में से दो सही हुए और चार पॉसिबिलिटी आई। तो भाई साहब मैंने अभी अभी मैं आपसे आठ, 8 × 16, 8 × 24, 24 कॉन्क्लूजन पूछे हैं, जिसमें से ए से बी वाले, नो वाले और सम नॉट वाला ट्रू हुआ फिक्स में, तो पॉसिबिलिटी कोई भी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी सारा पता है। ए से सी और ए से डी फिक्स जीरो, तो पॉसिबिलिटी चार, जो करेगा गलत उसको पड़ेगी मार। ए से डी फिक्स जीरो, तो पॉसिबिलिटी चार, जो करेगा गलत उसको पड़ेगी मार, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। ए से डी क्या पता है? कुछ नहीं, तो पॉसिबिलिटी आई, राइट लगाओ, घर जाओ। ए से डी क्या पता है? कुछ नहीं, राइट लगाओ, घर जाओ। ए से डी क्या पता है? कुछ नहीं, राइट, पॉसिबिलिटी आए तो राइट, टिक टिक टिक। पढ़ा तो बहुत था पर ऐसा नहीं है। चलो धन्यवाद, चलो अब आप मुझे बताएं, जो बाकी लोग हैं, क्या आप सी से ए फिक्स जानते हैं? कुछ बताएं, क्या सी से ए फिक्स है? कुछ सी से ए नहीं, तो फिक्स जीरो, जब फिक्स जीरो तो पॉसिबिलिटी कितनी? आप बताने का कष्ट करें, पॉसिबिलिटी चार, जो करेगा गलत उसे पड़ेगी मार, खत्म। डी से बी, डी से भी फिक्स, डी से भी फिक्स जीरो, पॉसिबिलिटी चार, खत्म। चलो पॉसिबिलिटी चार कैसे रिपीट? समीर जाग गया भैया, समीर जाग गया। पॉसिबिलिटी समीर होती कितनी है? चार ही तो हो सकती है, शुरू से चार क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ऑल, नो, सम, सम नॉट, तो जब कुछ नहीं पता तो जिसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दे वहीं राइट लगा देना, तो चार ही तो पढ़ रहे होती देर से, तो कोई अलग से चार लेके नहीं आ रही, कार में बैठ के आ रही है? अलग से चार कार में नहीं आ रही है, वही वाली जो शुरू से कल से पढ़ रहे हो, ऑल सम नो सम नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एक बार इसका पढ़ भी लो। नो, अरे यार, नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज डी, तो आपके क्वेश्चन पूछने वाला ना ऐसे पूछेगा, ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे ही सम डी आर बी, सम डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, यही तरह के क्वेश्चन तो पूछ सकता है बेचारा वो। ऐसे ही नो के साथ एक फिक्स, एक पॉसिबल, ऐसे ही सम नॉट के साथ एक फिक्स और एक पॉसिबल। तो भाई साहब हम यही समझ रहे थे, जहां जहां डी से बी क्या पता है, डी से सी पता है,
सी से बी पता है पर डी से भी नहीं मालूम, तो फिक्स वाला कैंसिल 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 कैंसिल, और पॉसिबिलिटी वाला राइट 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 राइट। आई इस बात समझ में? घर में बैठ के लिखते रहना, राइट रॉन्ग खेलते रहना, ठीक है भैया? घर में बैठ के लिखते रहना, राइट रॉन्ग खेलते रहना। नो एम तो फिक्स हो सकता है, एम एम नहीं मी। अच्छा नो में सही हो सकता है, हाँ सही हो सकता है, सकता है मतलब पॉसिबिलिटी। कल आएगा रोहित ऑनली फ्यू का नंबर, कल या परसों। देखो तुम खुद भी क्या बोल रहे हो, खुद भी क्या कह रहे हो, नो में तो सही हो सकता है, तो जब हो सकता है तो वो पॉसिबिलिटी है, तो नो में सही हो सकता है नहीं, हमने सही हो सकता है राइट कर दिया। देखो नो में सही हो सकता है, जो आपके ख्याल है वही तो इंप्लीमेंट किए हैं, नो में सही हो सकता है। इंडिया और श्रीलंका का जो तीसरा मैच है उसमें इंडिया जीत सकता है, हाँ। इंडिया हार सकता है, हाँ। नो में श्रीलंका जीत सकता है, हाँ। हार सकता है, हाँ। जिस इंडिया और श्रीलंका के बारे में तीसरे मैच के लिए कुछ नहीं पता उसके बारे में पॉसिबिलिटी राइट। तुम डायग्राम समझ लो, नो बी सी, नो सी इज डी। इस बी और डी के बारे में क्या मालूम है? तो बेटा जब मालूम नहीं होता ना तो ज्यादा मुंह नहीं चलाते। मालूम क्या है? कुछ नहीं। तो फिक्स वाला कितना पता है? जीरो। जब मालूम नहीं तो पॉसिबिलिटी लगा लोगे? हाँ। कौन सी लगाओगे? जैसे तुम हो, अच्छे हो तो पॉजिटिव की लगाना, बुरे हो तो नेगेटिव की लगाना, थोड़े अच्छे हो तो थोड़ा पॉजिटिव, थोड़े बुरे हो तो थोड़ा नेगेटिव। और पॉसिबिलिटी कभी गलत नहीं होती भाई, जिसकी जैसी सोच। आगे बढ़े, अब कलेश कैसे मचेगा? देखो कलेश मचेगा ऐसे, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं, से वो अब अभी एक जाग गया, लिखा है नो ए इज बी, और हमने कल ही सीखा था कि नो वाले में बराबर आंसर है, ए बी के घर नहीं जाएगा, बी ए के घर नहीं जाएगा, लेकिन वो कह रहा है मुझे बी से ए बता दीजिए। अरे बी से ए साहब, कल ही बताया था कि बी से ए नो वाला भी पता है, सम नॉट बी, और जब पता ही चल गया फिक्स, तो पॉसिबिलिटी जीरो। कल क्या मटर छीली थी तुमने क्लास में? ये बताओ कल कहां थे तुम? कौन है ये नो वाला, नो बी से ए? कल पढ़ाया तो था, चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। रिपीट नहीं देखी होगी, यहां हमारी मजबूरी है। आ जाइए अगला नेक्स्ट। अब तीसरा चीज एक समझ लो, देखो आपको कल वाला याद होगा, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ऑल ए आर बी, तो ए के बारे में कितना पता है, याद है ऑल। देखो ये है कॉन्सेप्ट की लड़ाई, याद करो कल की कहानी, ए से भी ऑल भी राइट सम भी राइट, तो ए से भी पॉसिबिलिटी जीरो, क्योंकि भाई ऑल भी राइट हो गया सम भी राइट हो गया। अब थोड़ा समझदारी से बात करें, बी से ए कितना राइट, कल करवाया था सम, याद आया? बी से ए कितना राइट, सम। तो इतनी देर से, सुबह से अभी पढ़ रहे थे, सम वाले में दो पॉसिबिलिटी,
रट्टा नहीं, इसी को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सम नॉट की पॉसिबिलिटी, ऑल की पॉसिबिलिटी। गजा, कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। बी से कितना पता है सम, तो दो पॉसिबिलिटी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी और ऑल की पॉसिबिलिटी। गजा, याद आया कल वाला? याद करो, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, कल वाला ही है। बी से सम, ऑल की पॉसिबिलिटी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी। आप एग्जाम्पल लो जबरदस्त, सर ऐसे कैसे सर, मेरे को तो अभी, मैंने अभी होश संभाला है, मैं अभी आया हूं, ऐसे कैसे सर? देखो, किसका घर है? बी का। कितना रेंट पर दे दिया? थोड़ा सा, ये तो दे दिया। बी ने इतना घर तो रेंट पर चढ़ा दिया। अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बी के मन में ख्याल आया कि ये आदमी बहुत नालायक है, इसको मैं कभी अपना बचा हुआ घर रेंट पर नहीं दूंगा। तो पॉसिबल है ना ये वाला ना दे? पॉसिबल कि बी अपना बचा हुआ एरिया इसको रेंट पर ना दे, पर क्या पता ये आदमी बहुत अच्छा हो और बी को पैसे तो टाइम पर दे रहा हो। तो बी ने सोचा यार ये भी तो जगह खाली पड़ी है, ये भी इसको किराए पर देता हूं, तो इतनी तो पहले ही दे रखी थी, इतनी इसको और दे दी, तो कितनी दे दी? ऑल। वाओ, गजब। बी के पास चॉइस, ए के पास तो चॉइस है ही नहीं। बी बचा हुआ उसको रेंट पर दे ना दे, या सारा दे दे। अब याद रहेगा, बी बचा हुआ उसको रेंट पे दे दे ना दे, या सारा दे दे। हाँ, ए और बी बराबर हो जाए, सारा एरिया ए का बी के जितना हो जाए। समझ गए? अब एक और समझ लो, एक और समझ लो। ए बी के घर नहीं जाता, तो बी को कौन सा शौक चढ़ रहा है? बी ने भी कहते मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अब दोनों के घर लड़ाई चल रही है, ये इसके घर पत्थर मार रहा है, इसके घर पत्थर मार रहा है। यहां तक तो ठीक था। सी, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। ओहो, किसके साथ है? ए के। तो सी जितना ए के साथ है, किसके साथ नहीं है? बी के साथ। सी का कुछ हिस्सा ए के पास है और वही हिस्सा कहां नहीं जाएगा? बी के पास। तो सम सी आर नॉट बी। पर अगर मैं यही बात बी से करूं कि क्या बी तुमने भी सी से लड़ाई कर रखी है, तो बी क्या कहेगा? नहीं नहीं यार, ये तो बदतमीज आदमी है, मेरी तो अच्छी खासी इससे लड़ाई चल रही थी, ये खुद ही आके मुझसे लड़ने लग गया, मैं क्या करूं, हटाओ। तो बी से सी फिक्स जीरो, तो बी से सी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी? दो। थोड़ा पॉजिटिव या सारा? नहीं, सॉरी सॉरी, बी से सी कितना पता है? कुछ नहीं, फिक्स जीरो, तो पॉसिबिलिटी कितनी? 4 की 4। क्या बी इससे बात करने जा सकता है कि भाई तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मैंने तो कभी तुमसे कुछ कहा नहीं? हाँ। क्या बी भी इसको पत्थर फेंक के मारेगा? हाँ। बी इससे कभी बात नहीं करेगा? हाँ। बी इससे कभी कभी बात करने चला जाएगा? हाँ। भाई बी ने थोड़ी ना सी के बारे में कुछ कहा था, जब बी ने सी के बारे में कुछ नहीं कहा तो फिक्स जीरो, पॉसिबिलिटी कितनी? 4 की 4। लेकिन सी से भी चेक करो, सी ने कितना नेगेटिव कर दिया? सी ने क्या कहा था इसे? तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कितना? थोड़ा सा। तो सम सी आर नॉट बी, याद करो, सम नॉट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? दो, उल्टा और दुगना, बंटी और बबली। बहुत तेज आदमी है सी। सी ने क्या किया, इसके पास सामने तो कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सी का बस चले तो पीछे के रास्ते से क्या पता बी के पास चला जाए। भाई सम सी आर नॉट ए, लेकिन बचा हुआ सी, सम सी आर नॉट बी, लेकिन बचा हुआ सी क्या पता बी के पास चला जाए। हाँ तो, और कहते कि नहीं मैं तो पक्का कभी नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो,
मैं उससे बात कभी नहीं करूंगा। दो पॉसिबिलिटी पुरानी वाली, याद रखना कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे, सम पता हो तो भी दो पॉसिबिलिटी, उल्टा और दुगना ये पॉसिबल है, और जब सम नॉट पता हो तब भी उल्टा और दुगना, सम और नो। जाओ मौज करो, इतना पढ़कर आना, कल इससे आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है, कल इससे आगे की कार्रवाई करेंगे, इतना ही पढ़कर आना, ज्यादा मत पढ़कर आना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इतना पढ़कर जरूर आना, नींद में भी आ जाएगा सर। अब चलो यही बात चाहिए, चिंता मत करो, बाकी पढ़कर आना, कोशिश करना, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी मैथ की क्लास हो गई होगी, लास्ट वाला एक बार फिर से कर लेंगे।